वेलकम बैक टू आवर चैनल पहाड़ी गर्ल। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मगर मैं इस बार इस समय बहुत ही अच्छी नहीं हूँ। आप सोच रहे हो कि कैसे और क्यों, क्योंकि गाइस आज वो दिन आ चुका है जब पापा मतलब देहरादून से आज दिल्ली जा रहे हैं पापा। तो आपने हर व्लॉग में देखा होगा हम लोग ग्रो है, तो फिर से आज थोड़ा हो जाते गाइस, हो जाते हैं और पापा की जोरों शोरों से तैयार चलिए। इसको कोई फर्क नहीं है कि पापा जा रहे हैं, मगर जब पापा जाएंगे इसके भी मेरे साथ आंसू टपकेंगे। आना तो फिर आज पापा जा रहे, कैसा लग रहा है? गाइस आप ही करेक्ट बताओ, करेक्टर बताओ। गाइस 5 4 3 2 1 गाइस ये है बाघ का डायलॉग, मेरे बोलते चल रहा है। तो मम्मी भी सैड बैठी है क्योंकि पापा जा रहे हैं। इसलिए मम्मी आपको कैसा लगेगा पापा जाएंगे? अच्छा। पापा की देखो तैयारी कैसे चल रही है। हाँ गाइस चलो चलते हैं। पापा को दिल्ली जाके बहुत अच्छा लगता है, मजा नहीं आता। आज इतने खुश है नहीं जितने खुश कभी नहीं। शीशे में देख सकते हैं, देखो इनको कितनी खुशी के बारे में। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरा काम है, अब मुझे जॉब भी करने आना है। एक्चुअली मैं 10 डेज से यहाँ रुका हूँ अपने बच्चों के लिए, और मैं 10 डेज के लिए नौकरी के लिए। अब देखो अपनी बीवी बच्चों छोड़ के आ रहा हूँ, मुझसे दुखी कोई नहीं होगा। अभी तीनों एक साथ में अकेला, मैं कैसे दिल्ली जाके अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करनी है? एक अकेला आदमी दिन कैसे काटे मेरी बीवी की? अच्छा चाचू भी तो है, जितने भी मेरे फ्रेंड है मेरे मुख्य, आप सोच सकते हो कि दो बच्चों और बीवी के बिना इंसान की जिंदगी कैसी होती है। बट मुझे जाना है क्योंकि लाइफ में अगर फैमिली है तो ऑफिस भी है, जॉब भी है, दोनों को हमें लेना है। खुशी शेविंग के बारे जानी, फिर बता क्यों शेविंग करी? ये खुशी है कि वहाँ पे किशोर जी इंतजार कर रहे हैं भाई, फुल पार्टी शार्टी। गाय तो समझते हो कि बीबी तो हमेशा किसी कहती है कि पति में मौज में और पीछे फौज में हो चाहे घर में, हमेशा मौज में। तो सर ऐसा गाइस कुछ पति फौज में बीबी मौज में। गाय ऐसे मेरी छुट्टी थी खत्म हो गई है, अब मुझे जाना है, तो ऑलरेडी जाना है। इनके लिए गाना है तू आज चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, तेरी याद बहुत आएगी। गाइस हमारी बातों को इग्नोर ज्यादा सीरियस मत लेना कि हम ये ऐसे मजाक करते रहते हैं, बट रियल तो ये है कि दोनों काम जरूरी है, फैमिली भी और जॉब भी। लेट्स आप ये जान जा रहे हैं। ओके गाइस आना को देखो की करते हैं। आना कैसे लग रहा है, पापा जा रहे हैं? कैसे लग रहा है? बहुत लल्ला। बहुत गंदा? लाल लल्ला। कोई नहीं, अभी पापा आज रात को निकलेंगे 8 बजे की वाली गाड़ी से। तो मैं पापा को छोड़ने जा रही हूँ, आहन और यशी घर में रहेंगे। बहुत दुख, आहना बहुत ही सैड हो चुकी है, मगर इसका मोबाइल ही छूट रहा। यशी मिल लो फिर पापा से दोनों। आना मैं जा रही हूँ बेटा, ध्यान से रहना ठीक है दोनों। पापा आएंगे ना फिर, ये इमोशनल। आना पापा से मिल तो लो। मिल ली। जा रहे। जा रहे हैं। ये जाते हैं फिर जल्दी आएंगे ये, और क्या कहते हैं, मैं तो छोड़ने जा रही हूँ, 10 दिन ही रहे, बहुत ही मजा आया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, सोहन जी को छोड़ने जा रहे हैं हम बस स्टैंड में, और सोहन जी चला रहे हैं अपनी स्कूटी देहरादून के हमारी सुंदर साफ सुथरी सड़कें। अब घर जा रहे हैं मुझे छोड़ के। फाइनली सोहन जी जा रहे हैं दिल्ली, जाके कॉल कर देना ठीक है। फाइनली मैंने इनको छोड़ दिया,
बस स्टैंड पे था, मैं पापा को छोड़ के आ गई और मैं घर पे पहुंच गई। तो फ्रेंड्स, आज का हमारे ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आना भी थोड़ी उदास हो रही है, पापा चले गए। और पापा ने आना और यशी के लिए क्या भेजा है? मोमोज, चाउमीन और रोल। पापा थैंक यू बोलो पापा को। थैंक यू पापा। तो मैं पापा को फोन करी, पापा को कॉल आया। पापा थैंक यू और आई मिस यू। और जल्दी आना यशी, सबको बोलो बाय।